कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा है, नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का पत्र भी तलब किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का पत्र तलब किया और इसी के साथ ही सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन पत्र भी तलब किया है, यानी कि समर्थन जो बीजेपी को दिया गया था वो पत्र और जो भी विधायक अभी नई सरकार के लिए एक दूसरे के आगे हैं उन सबको समर्थन पत्र देने के कहा गया है। कल सभी दस्तावेज कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गवर्नर की तरफ से केंद्र सरकार जवाब देगी। तो महाराष्ट्र में देखिए जो सियासी घमासान मचा हुआ था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कल का वक्त और दिया कि आज जो पिटीशन टेकअप हुआ जिसमें जिस पिटीशन में तीनों लोगों की थी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, उसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी और उसके ऊपर कपिल सिब्बल साहब ने आर्गुमेंट किया। उनका कहना था कि 24 आवर्स के अंदर इसको इसके ऊपर जो है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, मगर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे थे उन्होंने ये कहा कि हमको 11:30 बजे रात को पिटीशन मिली है, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कम से कम हमको समय दिया जाए कि हम इसका जवाब दे सकें। कोर्ट ने पूरे मामले पे उस पिटीशन पे इशू नोटिस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिक्वेस्ट पे कल सुबह 10:30 बजे तक का समय दिया है। लेटर ऑफ सपोर्ट जो है जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने गवर्नर को दी है वो उसको प्रोड्यूस करना है कल 10:30 बजे। और साथ ही साथ जो गवर्नर ने जो डिसीजन जिस बेसिस पे लिया है या जो कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हुई है वो सारी चीजें कल सुबह 10:30 बजे प्रोड्यूस करनी है। जो भी कहना होगा पिटिशनर साइड से भी वो भी अपनी बात कल तक सब रख सकते हैं। कल इसकी एक विस्तृत सुनवाई 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ शिवसेना, तीनों के संयुक्त पिटिशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। तो अगली खबर आपको बता दें, योगी सरकार